माँ की ममता क्या होती है, माँ की मोहब्बत क्या होती है। एक ऐसा दिल को हिला देने वाला वाक्य सुनाने जा रहा हूँ, जरा तवज्जो से सुनिएगा। इंशाल्लाह इस वाक्य से आपको सबक भी मिलेगा और नसीहत भी मिलेगी। दोस्तों, एक 16 साल लड़के ने अपनी माँ से कहा कि मम्मी, मेरी उम्र 18 साल पूरी होने वाली है, तो आप मुझे गिफ्ट में क्या दोगे। इसके जवाब में मम्मी ने कहा, बेटा अगर मैंने पहले से गिफ्ट का बता दिया तो मजा नहीं आएगा, लिहाजा जब आपके 18 साल पूरे हो जाएंगे तो अलमारी के अंदर देख लेना, आपका गिफ्ट वहां पड़ा होगा। कुछ दिन के बाद वो लड़का बीमार हो गया। मम्मी पापा उसे अस्पताल लेकर गए। जांच पड़ताल के बाद डॉक्टरों ने कहा कि इस लड़के के दिल में सुराख है, लिहाजा अब ये ज्यादा नहीं जी सकता। तो उसका इलाज चलता रहा। 6-8 महीने के बाद जब वो ठीक होकर घर आया तो पता चला कि माँ इस दुनिया में नहीं रही। अब उसे बहुत ज्यादा सदमा हुआ, बहुत ज्यादा अफसोस हुआ। फिर अचानक उसे माँ की वो बात याद आ गई कि बेटा जब तुम 18 साल के हो जाओगे तो तुम्हारा गिफ्ट अलमारी में मौजूद होगा। तो भागता हुआ वो लड़का अलमारी की तरफ लपका। उसने देखा कि अलमारी में एक गिफ्ट पड़ा था। इसने जल्दी से वो गिफ्ट खोला और उस गिफ्ट में एक चिट्ठी थी। उस चिट्ठी में क्या लिखा था, आइए देखते हैं। उस चिट्ठी में लिखा था कि मेरे जिगर के टुकड़े, अगर तू ये चिट्ठी पढ़ रहा है तो तुझे याद होगा कि जब तू बीमार हुआ था तब तुझे अस्पताल लेकर गए थे और डॉक्टरों ने कहा था कि तेरे दिल में सुराख है। उस दिन मैं बहुत ज्यादा रोई और मुझे बहुत सदमा हुआ और मुझे तेरी वो बात याद आ गई कि जब तूने कहा था कि मम्मी जब मेरे 18 साल पूरे हो जाएंगे तो तुम मुझे क्या गिफ्ट दोगी। तो बेटा आज मैं तुझे अपना दिल दे रही हूँ, लिहाजा इसको हमेशा के लिए संभाल रखना, मुबारक हो तुझे बेटा। हाय अफसोस। देखो दोस्तों, एक माँ सिर्फ और सिर्फ इसीलिए मर गई कि उसका बेटा जी सके, क्योंकि दुनिया में माँ से बड़ा दिल किसी का नहीं। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो आगे जरूर शेयर करें और माँ के नाम एक मैसेज कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ें, क्योंकि खुशी भी वो है, नसीब भी वो है, दुनिया की भीड़ में करीब भी वो है। इन्हीं की दुआ से चलती है जिंदगी, क्योंकि खुदा के करीब भी वो है। माँ की लंबी उम्र के लिए 3 लोगों को आगे जरूर भेजें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।